अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को बर्प यानी कि डकार दिलाने के हवाले से कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहला सवाल तो ये है कि बच्चों को डकार कितनी देर तक के लिए दिलाई जाए और किस तरह दिलाई जानी चाहिए, किस पोजीशन में। वाज़ह रहे, ये वीडियो जो है 1 साल से कम उम्र बच्चों के बारे में बात हो रही है, जो कि न्यू बॉर्न बेबीज से लेकर 1 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं, जो कि मदर फीड और फार्मूला फीड फीडर के जरिए ले रहे होते हैं। तो जब वो फीड करते हैं तो उनको फिर डकार दिलानी होती है, और बर्प यानी कि उसको जो उसके लिए इंग्लिश का वर्ड यूज़ होता है बर्प, तो बर्प क्यों दिलाना होता है, उसकी क्या वजह है और वो कितनी देर तक के लिए दिलाना होता है, इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। पहले तो आपको ये समझा दूं कि बर्प जो होता है डकार, वो बच्चों को इसलिए दिलानी होती है क्योंकि बच्चे जब फीड कर रहे होते हैं तो वो एयर बबल्स भी फीड लेते लेते हवा को भी इंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि हवा भी निकल जाते हैं, एयर बबल्स भी चले जाते हैं उनके पेट में। तो बहुत से बच्चों के लिए ये अमल जो होता है तकलीफदेह अमल होता है, और इसकी वजह से इनका गैग रिफ्लेक्स हो जाता है एक्टिवेट, और फिर बच्चे मिल्क एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। बबल निकालने के चक्कर में बच्चे जो है वो मिल्क भी एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में बच्चों को बर्प दिलानी होती है, यानी कि डकार दिलानी होती है फीड के बाद, जिसके बाद बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं, और उसके बाद वो आसानी से जो है आप उनको सुला भी सकते हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे थे उसमें वापस बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बर्फ दिलाने के लिए जो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, सबसे कॉमन मेथड जो है वो ये है कि आप बच्चे को इस तरह लेके अपने कंधों से लगा लेंगे कि बच्चे की पीठ आपके हाथ में होगी, जो बच्चे का मुंह है वो बैक साइड की तरफ फेस कर रहा होगा, और इस तरह आप बच्चे को बर्फ दिलाने के लिए रख सकते हैं इस पोजीशन में। इस पोजीशन में आप बच्चे को लेके वॉक भी कर सकते हैं, बच्चे को जैसे कुछ बच्चों को सोने की आदत डालने के लिए उनके पेरेंट्स वॉक कर करके बच्चों को सुला रहे होते हैं ना, गोद में लेके वॉक कर रहे होते हैं, तो आप बर्फ दिलाने के लिए भी बच्चे को फीड करवाने के बाद जेंटली उसको इस पोजिशन में होल्ड करके वॉक भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कुछ बच्चों को जो आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, 2 महीने 3 महीने की उम्र वाला बच्चा की जो बैकबोन होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, इतनी हो जाती है इस काबिल, और वो नेक भी होल्ड करने लगते हैं पार्शली, तो आप उन बच्चों को पकड़ के सपोर्ट के साथ बिठा सकते हैं और उनकी पीठ पे यूं करके हाथ रख सकते हैं, एक हाथ चेस्ट पे रखेंगे एक हाथ पीठ पे रखेंगे और यूं यूं करके उनको जेंटली टैप करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे भी यही होता है कि बच्चा कंफर्टेबल होकर बैठता है आफ्टर फीड, और वो आसानी से वो एयर बबल्स पास कर देता है, यानी कि जो बर्फ होती है डकार वो ले लेता है, इसके बाद बच्चा हो जाता है कंफर्टेबल। अच्छा, बर्फ का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? तो बर्फ का ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। कुछ बच्चे जो है 5 से 10 मिनट में बर्फ ले लेते हैं, कुछ बच्चे जो है 15-20 मिनट लगाते हैं डकार लेने में, कुछ बच्चे कुछ खास पोजिशन में कंफर्टेबल होते हैं। तो पेरेंट्स जो है उनको ये चाहिए कि वो नोटिस करें कि उनका बच्चा किस पोजिशन में कंफर्टेबली बर्फ ले लेता है, तो आपने उसी पोजिशन में फिर बर्फ दिलवानी है ताकि वो आसानी से डकार ले और उसके बाद फिर वो कंफर्टेबल हो जाए। एक सवाल और है कि अगर बच्चा बर्फ ना ले, तो बहुत से बच्चे हर फीड के बाद बर्फ नहीं लेते, तो सही है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा हर फीड के बाद जरूरत हो, लेकिन आप फिर भी एहतियातन हर बच्चे को फीड के बाद 10 से 15 मिनट इस पोजीशन पे रख सकते हैं, 10 से 15 मिनट बिठा सकते हैं, सर ऊंचा रख सकते हैं, स्पेशली जब वो बच्चा जाग रहा हो, सो ना रहा हो, एक्टिविटी कर रहा हो, हाथ पैर चला रहा हो, क्योंकि उससे फिर यही होता है कि बच्चे फिर दूध एक्सप्रेस आउट करते हैं बर्फ करने की कोशिश में, डकार लेने की कोशिश में। अगर आप उस बच्चे को लिटा देंगे तो वो दूध निकाल सकते हैं। तो एहतियात का तकाजा यही है कि आप उसको फीड के बाद पहले इस पोजीशन में बिठाएं, बर्फ दिलवाएं, उसके बाद फिर आप उस बच्चे को लिटा दें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि बर्फ दिलवा दी, बच्चा लेट गया, खेल रहा है, सही है, सब कुछ सही है, अचानक से उस बच्चे ने दूध निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में आपने उस बच्चे को फौरन उठा के बिठाना होता है, सर ऊंचा करना होता है, बिठाएं पीठ पे उसके, इसी तरह हाथ रखें, यूं करके टैप करें जेंटली, और इस पोजिशन में उसको 5 मिनट तक बिठा कर रखें। तो इससे यही होता है कि जो मिल्क एक्सप्रेस आउट करना चाह रहा होता है बच्चा, वो वापस अंदर चला जाता है, और इससे बच्चा एस्पिरेट करने से बच जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है मिल्क एक्सप्रेस आउट करते हैं बचपन में, यही बर्फ वाला प्रोसीजर है कि बर्फ दिलवा दी, प्रॉपर बर्फ नहीं ली, आधा डकार आया आधा नहीं आया, तो उसमें बच्चे मिल्क एक्सप्रेस आउट कर सकते हैं। तो जो बच्चे लेट के अचानक से दूध निकाल रहे हैं आफ्टर फीड, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप उसको फौरन बिठाएं और पीट के उसको टैप करें करके पीट थपथपाएं, तो उससे यही होता है कि वो बर्फ इजिली ले लेता है, और अगर बर्फ नहीं भी ले तो जो मिल्क एक्सप्रेस आउट हो रहा था, जो एक रिफ्लेक्स डेवलप हो गया था, वो रिफ्लेक्स काउंटर हो जाता है और वो वापस चला जाता है, और मिल्क एक्सप्रेस आउट होने का जो अमल था वो रुक जाता है। और अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो जो मिल्क एक्सप्रेस आउट हो रहा है लेटे लेटे बच्चे के मुंह से बाहर आ रहा है, वो वापस जाके बच्चे की सांस की नाली में भी जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब काम होता है, जिसमें आप जैसे ही देखेंगे बच्चा मिल्क निकाल रहा है मुंह से, आप उसको बिठाएं और उसकी पीठ को टैप करें। अच्छा, इसके बावजूद अगर बच्चा रिकरेंटली अचानक से ऐसा हुआ है कि पहले नहीं करता था, आज ही ऐसा हुआ है कि बच्चा बार बार दूध निकाले जा रहा है, बार बार एक्सप्रेस आउट कर रहा है, बर्फ भी दिला दिया आपने, आपने उसको होल्ड भी कर लिया, बहुत देर तक आप ऊंचा रख रहे हैं, फिर लिटा रहे हैं, फिर दूध निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स ये वाली अलामत जो होती है ये बच्चों को जो है सीने के इन्फेक्शन में भी होती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी गला नाक बंद होने की वजह से भी बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें चेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लंग्स की जो कंजेशन है उसमें भी बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। तो इस तरह के इशूज में फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, चेकअप की जरूरत होती है। ऐसी कंडीशंस में जिसमें बच्चा बार बार लेट के दूध निकाल रहा हो और खास खास के उल्टी कर दे रहा हो, तो ऐसे में आपने फौरी तौर पे बच्चे को ले जाके चेकअप करवाना होता है।